निकल गए हैं हर्षिल वैली के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 3 और हम डलवा रहे हैं सीएनजी हरिद्वार सीएनजी पंप पे। रुके हैं अभी एक ढाबे पे, ये है राजू फैमिली ढाबा, यही मिला है अभी खुला हुआ। हम खा रहे हैं पराठा, आ जा बेटा आ जा। तंदूरी पराठा ऑर्डर कर लिया, ये सुनील भैया बैठे हमारे, तंदूरी पराठा खाते हैं। बढ़िया, कैसा है? हम अभी पहुंच गए ऋषिकेश और ये अपने गाड़ी में सेटअप लगाया, थोड़ी नींद आ रही थी यार। तो बेड है पूरा, डबल बेड, दोनों सोएंगे अपना, सुबह निकलेंगे हर्षिल वैली, तो मिलते हैं सुबह। तो यार हम रुके थे यहाँ पे, नींद तो आने रही, लेटे में टाइम पास, बकैती हो रही है बढ़िया बड़ी। वेट कर रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं, 6 बजे निकलेंगे ऊपर घाट पे जाएंगे नहाने, नहाने के बाद दूध चढ़ाएंगे गंगा जी में, उसके बाद निकलेंगे सीधा हर्षिल वैली। तो ये अपना सौदा इंतजाम हो रहा है। तो भाई कोई इमेजिन कर सकता है गाड़ी में डबल बेड, 2 लोग बड़े प्यार से लेट सकते हैं यहाँ पे। देखो मैं बैठूंगा, ये देखो मैं बैठ गया, तो मेरा हेड ये देखो ऊपर, पूरा आराम से बैठा हूँ, ऊपर टच नहीं हो रहा, देख रहे हो। ये पिलो में लेके आया हुआ था अपना, बेडशीट है अपनी टाइगर वाली, ये अपन लेट गए यहाँ पे बढ़िया करके। हम जा रहे हैं घाट पे नहाने के लिए, सुबह के बज रहे हैं 5:30, इनके हाथ में दूध और इनको थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़े से लंगूर बैठे हैं यहाँ पे, इनको लग रहा है कहीं दूध वूध ना उठा ले इनका। जय हो बजरंग बली की। चलो भाई कुछ नहीं कहा। इस जगह पे अभी हम आ रहे हैं, ये बहुत पुरानी जगह है अपनी। चिड़िया का शोर सुनो गाइस, सुबह हो रही है 5:30 बज रहे हैं, बहुत शोर कर रही है यार। क्या ये पानी शांत है लेकिन ठंडा है, ठंडा ज्यादा नहीं है। थोड़ा आगे आगे आगे, बस थोड़ा और आगे आगे आओ, आगे और आगे और आगे आगे जाओ। तो गाइस हम निकल रहे हैं, अब हमने गंगा स्नान कर लिया है, अब जाते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर, हर्षिल वैली। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओह सॉरी नेक्स्ट लोकेशन पे। गंदी नींद आ रही थी, ये बज रहे हैं 7:30, थोड़ी देर सो रहे हैं, बाहर का व्यू है, ये है व्यू। 1 घंटे बाद उठ के फिर से जाएंगे हम ऋषिकेश से, 100 किलोमीटर शायद ऊपर आ गए, 100 किलोमीटर या 80, चंबा में आ गए, अब टनल आ गई है, देखते हैं आगे।
उत्तरकाशी से थोड़ा दूर पहुंचे हैं और एक रेस्टोरेंट है, वहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ मैं। शिल वैली है 90 किलोमीटर दूर। इंटरप्ट जरूर करना बीच में। तो हर्षिल वैली भी 90 किलोमीटर दूर है। अभी हमने ब्रेक लिया बीच में, एक यहाँ होटल में लेटे हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलेंगे। खाना वाना खा के अभी थाली ऑर्डर करिए। इनका सिस्टम बढ़िया है भाई, अभी दिखाता हूँ। तो ये रेस्टोरेंट का सिस्टम है, यहाँ गद्दे वद्दे पीछे में, यहाँ टेबल है और ये अंकल लेटे हुए हैं यहाँ पे। ये सिस्टम है भाई, लोग खाना खा रहे हैं, इसे लेटना लेट जाओ, सामने जैसे बैठना बैठ जाओ। तो हम हर्षिल वैली से अभी 2 घंटा दूर हैं, यहाँ रुके थे होटल नरसिंहम बिग फैमिली रेस्टोरेंट, अच्छा था यार। अब हमें जाना है यहाँ पे सीधा इधर। जमीन पे तरेड़ दिख रही है ना, ये जमीन नीचे धसने का वो है, यहाँ से धस सकती है। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6 और अभी हम आधा घंटा और दूर है अपनी लोकेशन से। एक चीज़ दिखाता हूँ, रास्ते में एक चीज़ गुफा दिखी है बहुत बड़ी सी, और पता नहीं भालू की है या टाइगर की है। देखो कितनी बड़ी गुफा है, देख रहे हो, यहाँ भालू तो जरूर रहता होगा। व्यू चेक करो, ये अपनी गड्डी है। हर्षिल वैली और रात के बज रहे हैं 8। खाना वाना तो कुछ है नहीं, इनको पीने की पड़ी है कोल्ड ड्रिंक ठंड में भी। तो भाई मार्केट में घूम रहे हैं, मार्केट बहुत अच्छी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी मार्केट है बट अच्छी है। तो रात को हम यहीं सो गए थे गाड़ी में बेड लगा के। पीछे का व्यू चेक करो गाइस, दिख रहा है पीछे स्नो का पहाड़, ये हर्षिल वैली है।